Praise the Lord, friends. आज हम जानेंगे कि शैतान के आक्रमण के बारे में वो क्या आक्रमण शैतानी आक्रमण इसके इस विषय पर हम आज कुछ जानकारी लेंगे ओके वो भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही हम शैतान के आक्रमण के बारे में कुछ सीखने वाले हैं आज ठीक है शैतानी आक्रमण इसके बारे में हम आज कुछ सीखेंगे ठीक है शैतान खुद एक आत्मा है ओके और परमेश्वर ने मनुष्य को भी आत्मा बनाया है और परमेश्वर खुद आत्मा है ओके तो ये सब कुछ जो शैतान का आक्रमण बनता है शैतानी आक्रमण ऐसे जिसे हम कहते हैं तो ये सब कुछ एक कोई तो आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण आया होता है ठीक है तो हमको ये आज समझने की जरूरत है शैतानी आक्रमण क्या क्या होता है कोई बीमारी हो सकती है कोई संकट हो सकता है कोई फाइनेंशियल फेलियर्स हो सकता है कर्ज चढ़ जाता है हमारे ऊपर कर्ज हो जाता है या फिर रिलेशन टूटते हैं रिश्ते टूटते हैं बिगड़ते हैं कभी कभी फैमिली परिवार टूट जाते हैं परिवार बिगड़ जाते हैं घर के अंदर लोग एक दूसरे के साथ मन मिलाव से नहीं रहते हैं और किसी को खाने पीने की एलर्जीज होती है कोई प्रकार से लोग कोई जगह पर शांति से नहीं रह पाते हैं कोई प्रकार से लोग सो नहीं पाते हैं और जो उनके जीवन की ज़रूरत है उसे पूरा होते हुए नहीं देखते हैं निराशा में रहते हैं ये सारा सब कुछ देखेंगे तो या कोई इंसान बदमाशी करने वाला होता है चोर उचक्के होते हैं कोई प्रकार से उनके जीवन में उनके चरित्र फेल किए गए होते हैं और बिल्कुल भी बेकार अवस्था में वो जीवन जी रहे होते हैं कि उनका समय उठता है दिन तो शुरुआत की उन्होंने दिन की तो वो पूरी तरह से अपने शैतानी काम में करने में जुट जाते हैं और दिन खत्म हो जाता है तो शैतानी काम करते हुए खत्म होता है तो उनका भी ये शैतानी आक्रमण है उनके जीवन में भी ये ओके तो हाँ मारे मारे भटकना ये भी शैतानी आक्रमण है और ब्याह ना होना अच्छे लड़कों से ब्याह नहीं होता है या अच्छे लड़कियों से ब्याह नहीं होता है और बुरे संगति में फंस जाते हैं एडिक्शंस में फंस जाते हैं नशेबाजी में फंस जाते हैं और सिगरेट स्मोकिंग चेन स्मोकर्स बन जाते हैं और बहुत सारे हैं ऐसी चीज़ें अभी बोले गए तो सारे वो जो काम हम दुनिया में जिसको हम कहते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए जो सही दिमाग से हम सोच सकते हैं वो सारे गलत होने वाली बातें वो सब कुछ शैतानी आक्रमण है तो पूरी दुनिया शैतानी आक्रमणों के साथ भरी हुई है हाँ कोई परिवार छोटा नहीं है कोई बच्चे कोई जवान कोई बूढ़े बुजुर्ग कोई परिवार कोई भी नहीं छोटा है सबको शैतानी आक्रमण का एक समय टकराना ही पड़ता है अब आप मसीही हैं यीशु मसीह को जानते हैं आपने पानी का बपतिस्मा लिया है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का आपने निर्णय लिया है तो आपको ये टीचिंग हेल्प करेगी आप अपने दिमाग में जो गलत चीज़ें हैं उसे हटा देंगे और जो सही बातें हैं उसे आप रखेंगे तो आपका युद्ध आत्मिक जीवन की दौड़ आपकी आप सही तरह से देख पाएंगे कि आपको किस दिशा में दौड़ना है किस दिशा में काम करना है किस मार्ग से आपको चलना है ठीक है अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है लेकिन आप कुछ ऐसे संकटों से जा रहे हैं कि वो सुलझ नहीं रही है आपसे या फिर आपको परेशान कर रही है या आपके अंदर का विश्वास आगे जीवन जीने का खत्म होता जा रहा है तो ये शैतानी आक्रमण है आपके लिए मैं ये इतना ही बोल सकती हूँ ये शैतानी आक्रमण है ओके तो ये कारण से आपको आज के टीचिंग को अगर आप सुन रहे हैं आप मसीह नहीं है और आप ये बात को सुन रहे हैं तो आप अभी मसीही बनने के लिए आप इच्छा
परमेश्वर को दे सकते हैं। आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और उसके बाद ये टीचिंग को आप जब सुनेंगे तो आपके अंदर का वो एक माहौल जो आपको बिगाड़ रहा है, जिसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, वो चीज़ें यीशु मसीह हैंडल करना शुरू करेगा। केवल आपने एक प्रार्थना किया है मेरे साथ, इसीलिए तो हम प्रार्थना करें उन लोगों के साथ जो मसीह तो नहीं है लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और मेरी बातों से उनको पता चल रहा है कि ये शैतानी आक्रमण है, उनके जीवन को बिगाड़ रहा है। तो अब यहाँ से कुछ तो सुलझाव मिल सकता है, ऐसा अगर कोई सोच रहा है ये रिकॉर्डिंग को सुनते समय, तो आइए हम पहले उनको मसीही के अंदर आने के लिए उनके इच्छा के साथ ये प्रार्थना को हम पूरा करते हैं। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोल सकते हैं, बोलना है मुंह से कबूल करना है। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप भी बोलिए मेरे साथ। ओके, जब मैं बोलती हूँ आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, दोबारा उसे दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हाथों में हमारे जीवन को देते हैं, अपनी इच्छा से हम अपने हृदय को आपके लिए खोलते हैं, आपको हम हमारे हृदय में आने के लिए इनवाइट करते हैं, स्वागत करते हैं आपका प्रभु यीशु, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं हमारे पाप की सजा आपने उठाई, क्रूस को उठाकर क्रूस के ऊपर अपना बलिदान देकर आपका लहू बहाया गया क्रूस के ऊपर बलिदान में, कि मेरे पापों की क्षमा हो सके और मैं शैतानी आक्रमणों से आजाद हो जाऊं और परमेश्वर के द्वारा मैं क्षमा किया जाऊं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूं और मेरे जीवन को प्रकाश में देख सकूं और अनंत काल का जीवन पा सकूं। प्रभु यीशु, आपने क्रूस उठाया, मेरी सजा को उठा लिया है, आपने लहू को बहाया, मुझे पापों की क्षमा दी है और आपने प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर जो परमेश्वर की कमी थी उसको पूरा करने वाला आज एक समय आ गया है। इसीलिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे चुन लिया और मैंने ये प्रार्थना को करने के लिए आज़ादी को पाया। प्रभु यीशु, आपने क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दे दिया और तीसरे दिन आपको क्रूस के ऊपर प्राण देने के बाद कब्र में रखा गया था और आपको तीसरे दिन परमेश्वर के आत्मा ने जिलाया। मैं इस बात पर भरोसा करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह, आप जिंदा है, आपने अभी परमेश्वर के दहिने हाथ के जगह में आपने अभी बैठे हैं और मेरे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं और आप दोबारा आने वाले हैं, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ, आप मेरे जीवन को लीजिए और आपके दोबारा आने का जो समय है उस समय तक मुझे आपके प्रकाश में चलाइए, आपके विश्वास में मुझे जिलाइए, आप मुझे नया सृष्टि बनाइए, मेरे सारे जीवन के मार्ग को आप सरल कीजिए। प्रभु यीशु, आइए हम आपको हमारे हृदय में स्वीकारते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने ये मार्ग सत्य जीवन आज हमें दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, तो ये प्रार्थना समर्पण की प्रार्थना इसे कहते हैं। और जो लोग मसीह नहीं है या जो लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं लेकिन
उन्होंने पूरी तरह से यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पहली ये शुरुआत की प्रार्थना रहती है और फिर बाद में उनके जीवन की कोई भी समस्याएं हैं जो हल करना चाहते हैं वो, तो वो यीशु मसीह के हाथों से हल होने के लिए हम समर्पण करते हैं। तो आज हम वही शैतानी आक्रमण के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो मसीह लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की है, लेकिन इसके साथ साथ और कोई भी जुड़ जाता है इस रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए तो वो भी आशीषित होगा, उसके जीवन के अंदर भी कोई ना कोई एक प्रभु यीशु का दर्शन काम करेगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये शैतानी आक्रमण जो होता है, ये आक्रमण शैतानी आत्माओं से होता है और शैतानी आत्माओं को इस्तेमाल करना शैतान डायरेक्टली नहीं करता है, शैतान डायरेक्टली आक्रमण नहीं करता है, वो लोगों के द्वारा काम करता है। ओके तो उत्पत्ति के 4 में 7 वचन में ऐसे लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर काइन से कहता है कि तू अगर भला करेगा तो तुझे परमेश्वर क्यों नहीं स्वीकारेगा, और अगर तू भलाई ना करे तो पाप दरवाजे में खड़ा है और पाप का इच्छा हम मनुष्य जाती है। ओके लेकिन हमको पाप के ऊपर प्रबल होना है। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है पाप दरवाजे में कभी खड़ा रहता है जब हम अनाज्ञाकारिता में चलेंगे। तो शैतानी आक्रमण अनाज्ञाकारिता के अंदर से प्रवेश कर चुका है। हवा ने जो नहीं खाना चाहिए वो फल को खा लिया अदन बगीचे में रहते हुए, और वहां से पाप की शुरुआत हुई, और वहां से जो अदम के अंदर बीज रखा हुआ था जो मनुष्य जाति को निर्माण लेकर आने का, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति के वंश को बढ़ाने का जो बीज रखा हुआ था, तो अदम और हवा ने मिलकर जो बच्चे पैदा किए उसके ही बच्चों के अंदर से हम भी यहाँ पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो हम वो संतति है जो अदम और हवा के द्वारा शुरुआत हुई है। तो हमारे अंदर जो लहू बह रहा है उस लहू के अंदर पहले से ही पाप भर चुका है, इसके लिए हम उस लहू को ठुकरा नहीं सकते हैं। उस लहू के अंदर अनाज्ञाकारिता पहले से ही प्रवेश कर चुकी है। ओके अनाज्ञाकारिता किस बात की? परमेश्वर जिसने हमें निर्माण किया है उसको हम नहीं मानते हैं और हम अपनी मर्जी के जो पसंद होता है वही बातें हम इच्छा करते हैं। ओके तो जो परमेश्वर कहता है ये नहीं करना चाहिए, बाइबल में जो वचन कहता है ये नहीं करना है, वो हमको उसे मानना है, नहीं करना है। ओके और अगर बाइबल में वचन लिखा है ये करना है तो हमको मान लेना है, ठीक है, चाहे मुझे पसंद आए या ना आए, ये तो परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए मुझे ये मानना है। तो ये पाप की शुरुआत होती है जहाँ पर हम वचन को मानते नहीं है। अब आपको अगर आप मसीह नहीं है और आप अगर वचन नहीं जानते हैं और आप ऐसी कोई बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर की पसंद की नहीं, तो आपको शैतान आराम से उसके आत्माओं से घेर सकता है और आपके जीवन को वो तबाही की तरफ दौड़ा सकता है। तो ये काम कब होता है? जब अनाज्ञाकारिता भारी से हमारे जीवन में काम कर रही है। ओके अब मैं इसके विषय में ज्यादा बात नहीं करूंगी, मुझे ज्यादा बात जो करनी है वो शैतानी आक्रमण, इस विषय पर बात करना है। शैतानी आक्रमण कहाँ से प्रवेश करता है मैंने इतना ही बताया, अनाज्ञाकारिता। और अनाज्ञाकारिता कौन सी? जो परमेश्वर के वचन के विरोध जाता है वो अनाज्ञाकारिता। ओके परमेश्वर का वचन कहाँ पर है? बाइबल के अंदर है, परमेश्वर के पवित्र बाइबल के अंदर है। ओके तो हमको वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं है, मसीह नहीं है, आपके जीवन में आपको वचन नहीं मालूम है और आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो अनाज्ञाकारिता है और जाने अनजाने में कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये परमेश्वर को पसंद नहीं है और आप किए जा रहे हैं ऐसे गलत काम, कोई भी अनाज्ञाकारिता, बहुत बड़ी बातें नहीं, सीधे सादी चीजें भी, ओके जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और आपको मालूम नहीं है ये बात और आप करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो आपको शैतान इस्तेमाल करेगा। ओके शैतानी आक्रमण किसी के अंदर, किसी के जीवन में भरने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो शैतानी आक्रमण इस्तेमाल करने के लिए, शैतानी आक्रमण लोगों के जीवन में आने के लिए मनुष्य रास्ता बनता है, उसका हथियार बनता है, फिर उसके सोच के अंदर, विचारों के अंदर, उसकी कल्पनाओं के अंदर वो आइडियाज देता है,
ओके, वो एक एक प्रकार के यादें दिलाता है, इस तरह से करो, उस तरह से करो, चलो अब जाके इसे सताओ, चलो उठो अब ये मंत्र करो, वो तंत्र करो, चलो ये विद्या इस्तेमाल करो, इस इंसान को जकड़ लो, इसे परेशानी में धकेल दो, इसके विरोध में खड़े हो जाओ, इससे थोड़ा सा कोई भी चीज गलत कर दो, ये सब प्लान्स है, ये शैतानी आत्माएं ये प्लान्स देती है। और जब शैतानी आत्माएं प्लान्स देती है मनुष्य को, अनाज्ञाकारिता में पड़े हुए मनुष्य को जब वो प्लान्स देती है, तो मनुष्य उसको स्वीकारता है। मनुष्य ये नहीं जानता है कि शैतानी आत्माएं उसको ये प्लान दे रही है, वो सोचता है ये तो दुनिया है, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही जीते हैं, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा उनका भरोसा रहता है। ठीक है, तो वो लोग फिर वो प्लान्स को लेते हैं, उठते हैं और हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, जिसके ऊपर भी उनको आक्रमण करना है, जैसे किसी को बीमारी में फंसा देना है, जैसे किसी के पैसे लूट लेना है, जैसे कोई भी आक्रमण हो सकता है। ठीक है, तो वो कोई इंसान पहले दिमाग में शैतान से ये प्लान को पाया होता है, ये एजेंडा को पाया होता है। ओके, तो इसकी वजह से वो फिर अपने टारगेट की तरफ उठकर चलने लगता है, शैतानी आक्रमण वो हमारे लिए, फिर वो शैतानी आक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो इंसान इसके अंदर शामिल है, ये नहीं भूलना है, इंसान इसके अंदर शामिल है, इंसान की बुद्धि ज्ञान समझ इसके अंदर शामिल है, इंसान की इच्छा धारणा विश्वास ये सब कुछ इसके अंदर शामिल हो जाता है, और शैतान उसको ये सब कुछ यूज कर रहा है, उसका प्लान पूरा करने के लिए उसको यूज कर रहा है, उसको इच्छा देगा किसी का बिगाड़ने के लिए, जीवन बिगाड़ने के लिए इच्छा देगा, और किसी के विरोध खड़े होने के लिए इच्छा देगा, और उसके साथ साथ आइडियाज देगा, ऐसे करना ऐसे हो जाएगा, वैसे करना वैसे हो जाएगा, ये सब वो करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं शैतानी आक्रमण। ठीक है, अब अगर मनुष्य के अंदर शैतान कोई प्लान नहीं दे पाया, अगर मनुष्य के अंदर कोई ऐसी बात आइडियाज वो नहीं दे पाया शैतानी आत्मा कि इस इंसान का विरोध करो, इस इंसान के विरोध में जाओ, इस इंसान का नुकसान करो, चोरी नाश घात करो, उसका एक ही मकसद है चोरी नाश घात करना जीवन को, तो अगर वो प्लान नहीं दे पा रहा है मनुष्य को, तो मनुष्य वो दुष्टता, वो पाप के काम, वो अपराध के काम, वो गुनाह के काम, वो अशुद्ध काम, वो परेशानी में धकेलने वाले काम किसी के लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मनुष्य उन सारी बातों से अलग रहेगा, क्योंकि उसके पास शैतान जाकर उसे प्लान नहीं दे रहा है। ओके, जब तक वो प्लान नहीं दे रहा है, तब तक इंसान हमारे लिए सीधे साधे रहते हैं, जैसे ही उनको शैतान प्लान दे देता है, वो इंसान हमारे लिए खतरा बनने लगते हैं, वो इंसान हमारे लिए परेशानी बनने लगते हैं, और हम उनके संगति में बने नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो हमारा चोरी नाश घात करने का काम शुरू किए होते हैं। जब वो चोरी नाश घात करने का काम शुरू करने लगते हैं, तभी समझ जाना है कि इसके अंदर कोई तो पाप का रास्ता खुल चुका है, और जिसके कारण अब वो क्या करने वाला है, हमारा कुछ ना कुछ नुकसान करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो शैतान को सुन रहा है और हमारे विरोध में चला आ रहा है। ठीक है, तो वो शैतान के आत्मा से जुड़ गया है और हमारे विरोध में उठ गया है। ठीक है, तो अगर आपको शैतानी आक्रमण का असर नहीं चाहिए, आपके लोग है, समझो आपके मम्मी पापा भाई बहन इसे घर के परिवार के लोग हैं, और आप चाहते हैं कि वो लोग ऐसे आपके विरोध में ना उठे, क्योंकि आप घर छोड़कर तो नहीं जा सकते, मम्मी पापा से आप नफरत नहीं कर सकते, आप घर में सबके संगति में बैठना उठना तो बनता ही है, तो इसके लिए आप अगर चाहते हैं कि वो लोग आपके विरोध में ना उठे, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि शैतान को आपके लोगों से दूर रखे, आपके लोगों से दूर रखे। ठीक है, अगर शैतान के आत्माओं को आपके लोगों से दूर रखा जाए, तो आपके लोग शैतान के आत्मा का प्लान ले नहीं सकेंगे, शैतान के आत्मा का प्लान नहीं लेने की वजह से आप शैतानी आक्रमणों से बचे रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम शैतान शैतानी
आक्रमण, शैतानी आक्रमण की बातें, ये सब कुछ हम समझते हुए काट कर फेंकना सीखेंगे, उसे नाश करना सीखेंगे, बुरी तरह से उसका पूरा सत्यानाश करना सीखेंगे, तब परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो मसीही है, ओके, तो वो अपने आप की सहायता कर रहे हैं और अपने ही इर्द गिर्द के लोगों की सहायता कर रहे हैं और अपने देश के, अपने शहर की और अपने घर परिवार के लोगों की, वो सब जगह में सही तरह का नियंत्रण आने के लिए परमेश्वर को रास्ता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बनता है कि हमको शैतान क्या है, शैतानी राज्य के बारे में क्या है, हमको ये समझ लेना है ताकि हम उसे काट कर फेंक सके, उसे सत्यानाश कर सके। आमीन। अब जब कोई इंसान शैतानी आक्रमण का शिकार बनने लगता है तो उसके पांच इंद्रिय और उसके साथ साथ मन, इच्छा, भावना, उसके चित्त, ओके, ध्यान, उसका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, चेतना, ओके, तो उसकी कल्पनाएं, उसकी समझदारी, ये सब कुछ बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ दिया जाता है। उसकी वो सभ्यता, उसके अंदर की वो निष्पाप रहना, उसके अंदर का एक पवित्र जीवन टूट जाता है और वो सही ढंग से, सही समझ में चल नहीं पाता है। ये शैतानी आक्रमण इतना असर करता है उसके पहले अंदरूनी सारे जीवन के ऊपर। तो सबसे पहले जब शैतान का आक्रमण हम पर प्रकट हो जाता है, हमारा आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, समझ का हमें सहारा उठा लेना है। वो हमारा हथियार है। सबसे पहले हमको कोई भी हमारे भावनात्मक रीति के, हमारे पांच इंद्रियों के ऊपर या हमारी चेतना के ऊपर की, हमारे कल्पनाओं के ऊपर, हमारे ज्ञान, बुद्धि, समझ की चतुराई के ऊपर आधार नहीं लेना है। जब हमको पता चलता है कि ये शैतानी आक्रमण टक्कर दे रहा है हमको, तो हमको अपने आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, समझ को सबसे पहले अपने सोच में उठा लेना है, ओके? और वहां से हमको युद्ध शुरू करना है। किसके विरोध? इंसान के विरोध नहीं, शैतान के, आत्मा के विरोध, शैतानी ताकतों के विरोध, शैतानी मकसद के विरोध, ठीक है? और वहां से हम उस शैतानी आक्रमण को मारना शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं वही जगह से हम विजय को देख सकते हैं। अगर हमने अपनी पांच इंद्रिय, अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ, अपनी खुद की चतुराई के ऊपर अगर भरोसा रख के हमने युद्ध को जीतने की कोशिश की, तो हम हार जाएंगे। ये याद रखिए, क्योंकि ये शैतान का आक्रमण है, इसको आत्मा के द्वारा ही लड़ाई करना है। और हम मसीह है तो हमारे पास पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ने हमको बाइबल के वचन सिखाए हुए है और वो वचन के ज्ञान से, उस वचन के अंदर जो बुद्धि रखी है, उस बुद्धि के द्वारा जो समझ दिया है उस वचन के द्वारा, उसको ही हमें उठाना है। सबसे पहले शुरुआत उसी चीजों से करनी है जो आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, समझ से हमने पाया है। कभी हमने प्रचार को सुना था, कभी हमने खुद बाइबल स्टडी करते वक्त सुना होगा, पढ़ा होगा। जितना भी भंडार हमारे अंदर आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, समझ का आया हुआ है, उसमें से हमको चुनाव करना है कि अब ये आक्रमण को कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है, कौन से वक्त हमने क्या सुना था आत्मिक के बारे में, वो हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हमारी शुरुआत हो जानी है। और वो हम किसके विरोध कर रहे हैं? जो इंसान को शैतान ने इस्तेमाल किया है उसको तो हमें क्षमा कर देना है। वो इंसान से हमको कोई लेना देना नहीं है। वो इंसान, वो खुद भी नहीं जानता है कि उसको शैतान के आत्मा ने हमारे विरोध आने का प्लान दिया और वो उठकर आ गया, मूर्ख बनकर वो हमारे विरोध आ गया। ठीक है, तो इंसान उसके लिए गुनहगार नहीं है, उसे भले रीति से हमें माफ कर देना है। उसके लिए हमारे पास कोई बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमको जो आवश्यकता है वो आत्मा के युद्ध का,
ओके, शैतान के आत्मा को जिसने प्लान दिया है उसको हम अटैक करने वाले हैं, ठीक है। सीधे से हमारे आंखों से हम उसको देखना है कि है शैतान, तू जो आया है मेरे विरोध, तेरे लिए मेरे पास जो हथियार है वो आत्मा के बल का हथियार है, आत्मिक ज्ञान बुद्धि समझ का हथियार है। अब मैं तेरे विरोध यीशु मसीह के नाम से आती हूँ। तूने कौन से कारण से मुझे टारगेट किया है, तेरा क्या कारण है, और तेरे कारण के साथ साथ तेरा जो भी तूने प्लान किया हुआ है तेरे राज्य को बढ़ाने का, मुझे गिरा के तेरे राज्य को बढ़ाने का, जिताने का, ये सब कुछ अब मैं तोड़कर नाश करने वाली हूँ यीशु मसीह के अधिकार में और यीशु मसीह के आत्मा के सामर्थ्य में। ये हो गया हमारा पहला, हमारा आक्रमण के विरोध का पहला मुंह तोड़ जवाब शैतान के आत्मा को, ठीक है। अब हमको ये बात अगर अंदर से महसूस हो रही है, हमको शैतान के आत्मा का ये आक्रमण को नहीं करना चाहिए, या हमारे प्राण में कोई डर है, या हमारे शरीर में कोई हलचल हो रही है कि नहीं ये तो बिल्कुल भी डरावना सा लगता है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं हम तो यही करने वाले, वही करने वाले, अगर ऐसा हमारे अंदर से कुछ गड़बड़ी हो रही है ये आक्रमण को शुरू करने के, ये आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब देते वक्त अगर हमारे शरीर में, प्राण में, आत्मा में कुछ साथ नहीं दे रहा है आत्मिक बातों को, परमेश्वर के आत्मिक वचनों के अनुसार कुछ हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमारे अंदर से, तो ये जानना है कि हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा को बनाए रखा गया है ताकि हम उस शैतानी आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब दे नहीं सकेंगे, ठीक है। ऐसे समय में जो हमको आत्मिक ज्ञान बुद्धि समझ का सहारा लेने सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो बातों को, वो भी दुष्ट आत्माएं हैं जो हमको आत्मिक युद्ध में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी तरफ भी हमको अपना एक मुंह तोड़ जवाब दे देना है कि हे शैतान के आत्मा तू हमारे विरोध मत आ, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा हमने यीशु मसीह को दिया है, हमारी भावनाओं को हमने यीशु मसीह को दिया है, हमारी सोच समझ को दिया है, अब वही होगा जो यीशु मसीह हमको ज्ञान बुद्धि समझ देगा, और तू उससे तो मुंह तोड़ जवाब पाकर ही रहेगा, तेरे आक्रमण को तो मुंह तोड़ जवाब मिल ही जाना है अभी। तो ये तरह से हमारा युद्ध हमको दोबारा से उठा लेना है, गिरना नहीं है, उठा लेना है। हम शरीर के कारण, प्राण के कारण, भावना इच्छा के कारण, मन की दुर्बलता के कारण हम ये युद्ध को नीचे नहीं रख देना है, ये युद्ध को दोबारा से हथियार उठा लेना है, आत्मिक हथियार में सबको उठा लेना है, हमारे सारे शरीर, प्राण, आत्मा के सारी चीजों को आत्मिक हथियार में बल देना है, ओके, जोश देना है, जोर लगाना है आत्मा के वचनों से, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उस उन चीजों को हम नीचे गिरने नहीं देना है। वही रास्ता है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, यीशु मसीह ने जो वचन सिखाया है उसी में से हम शैतान को गिरते हुए देखेंगे, लड़खड़ाते हुए देखेंगे और हम जीत जाएंगे, ठीक है। ये उसका सीक्रेट है, ये उसका सीक्रेट है, ये गुप्त रहस्य की बात है जो प्रभु यीशु ने प्रकट कर दिया है और वो हम प्रकाश में समझ गए हैं कि शैतान किससे डरता है, शैतान परमेश्वर के वचनों से डरता है, ओके, वो प्रकट हो चुका है। हम जब मसीह है तो हमको और ज्यादा इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सीक्रेट, ये रहस्य कि शैतान किससे डरता है, परमेश्वर के वचनों से डरता है, परमेश्वर के अभिषेक से वो डरता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको कोई भी हमारे शरीर, प्राण, आत्मा का कोई भी भाग कमजोर पड़ने नहीं देना है, उसे बल देना है परमेश्वर के वचन के द्वारा और अभिषेक के द्वारा, उसे बल देना है, विश्वास देना है, उठाना है उसे, जगाना है उसको, ताकत देना है कि वो आक्रमण के लिए मुंह तोड़ जवाब बन जाए, ना कि डर के पीछे हट जाए, ओके। शैतान के आक्रमण हमेशा चीजों के ऊपर होता है, जो भी हमारी जो पृथ्वी के जीवन के
बातें हैं जो हम जी रहे हैं, शैतान का आक्रमण उनके ऊपर होता है, ओके। और पृथ्वी की सारी बातें हमारे प्राण से जुड़ी है, हमारे शरीर से जुड़ी है। प्राण में क्या है? मन, इच्छा, भावना है, और शरीर में हमारी ताकत है, हमारे काम करने की सारी एबिलिटीज है, ठीक है। तो वो हमारे कार्य क्षमता है हमारे अंदर, तो वो वही जगह है, वही बातें हैं जिसे हम यूज करते हैं, हमारे प्राण और बॉडी को यूज करते हैं कोई काम करने के लिए, कोई जीवन के कोई मैटर्स में हम यूज कर रहे हैं, वही चीजों में, वही मैटर्स में आक्रमण आता है, ओके। तो ये आक्रमण मसीह लोगों के लिए उसी बातों में आक्रमण आएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमको अगर ऐसा आक्रमण आया है तो हम प्राण और शरीर को बचाने शुरू करेंगे। नहीं, प्राण और शरीर को नाश करने के लिए ही शैतान ने आक्रमण भेजा है, ओके। तो आप प्राण और शरीर को छुपाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, प्राण और शरीर को कहीं पर तो लॉकअप करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, कहीं तो कोई भी इंतजाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शैतान ने आक्रमण ही किया है उसकी सारी चीजों को नाश करने का, ठीक है, बने बनाए चीजों को नाश करने का। तो हमको ये देखना है कि शैतान का आक्रमण को मुंहतोड़ जवाब आत्मा से ही मिल सकता है, ओके। तो हमको आत्मा ही है जो हथियार बनाकर उसके विरोध में उठ जाना है। तो मेरा ये टीचिंग आज का, मसीह भाई बहन अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको एकदम ओपनली बोल दूं कि ये टीचिंग जरा भी आपके प्राण की मदद नहीं लेगा, जरा भी आपके शरीर की मदद नहीं लेगा, ये टीचिंग केवल आपके आत्मा को शैतान के विरोध खड़ा करेगा। आमेन। तो आत्मा का शुरुआत हमें जो करना है, केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमने पाया हुआ वचन, उसका ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र बाइबल में से जो हमने लिया है, केवल उसी को हमें 100% मुंह तोड़ जवाब बनाकर शैतान के ऊपर भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको आत्मा का समझ आ चुका है, परमेश्वर के आत्मा का ज्ञान, बुद्धि, समझ आ चुका है, तो हमको एक बात ध्यान रखना है, ओके, हमको उसे इस्तेमाल करना है, उसे इस्तेमाल करना है, हमको उसी को इस्तेमाल करना है, हमको कोई भी दूसरा आधार देखना नहीं है, हमको जो परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे ज्ञान, बुद्धि, समझ में आया हुआ है, हमको सिर्फ वही उठाना है हथियार बनाकर, और वो शैतान के आक्रमण के विरोध चलाना है, ठीक है। हम पूरी तरह से परमेश्वर में अभी उतर चुके हैं, मसीह बन चुके हैं, तो अब हमारा भरोसा बिल्कुल भी बाकी कोई शरीर और प्राण की बातों के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है, सख्त नियम है ये, केवल परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा, इतना दबा देना है परमेश्वर के अंदर हमारा भरोसा कि हम उसे बाहर नहीं ले सकेंगे, केवल परमेश्वर और केवल परमेश्वर, हमें और कोई रास्ता मालूम नहीं है। पूरी दुनिया रास्ता दे सकती है, लेकिन हमको जो रास्ता खुला पड़ा है कि हम शैतान के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दे सके, वो एक ही रास्ता है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर का भरोसा, ओके। इतना टाइटली हमको दिमाग में पकड़ लेना है, हमें हमारा प्राण, हमारा शरीर कोई भी ऑप्शंस दे सकता है, हमको वो ऑप्शंस नहीं लेना है, हमको ये बात ध्यान रखना है कि वो हमारे लिए नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर का वचन और वही एक मार्ग 100% मुंह तोड़ जवाब देता है शैतान के आक्रमण को। ये आत्मविश्वास की बात है, अगर ये आत्मविश्वास आपका डगमगा रहा है तो आप चुनाव और दूसरी जगह भी देखने लगेंगे, कि कहीं प्राण का चुनाव देखेंगे, कहीं शरीर का चुनाव देखेंगे, कहीं लोगों का चुनाव देखेंगे, कहीं पर किसी के एक्सपीरियंस का तजुर्बा को देखेंगे, कोई दुनिया की बातों को सुनने लगेंगे, कोई इंटरनेट पर कुछ देखने शुरू करेंगे कि ये होगा क्या, वो होगा क्या, ऐसे करो, ये बहकना है, इसे कहते हैं बहकना। तो ये भी एक शैतान का आक्रमण है, वो चलाकी से आपको बहका देता है ताकि आपका भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर ना रहे, ताकि आप परमेश्वर के ऊपर सिर्फ भरोसा रखेंगे तो उससे तो मुंह तोड़ जवाब एक सेकेंड में मिल जाता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है कि उसे बने रहना
करना पड़ेगा, उसे सिर्फ भाग जाना ही सबसे बड़ी बात बन जाएगी। तो वो इसीलिए आपको भटका देता है, भरमा देता है। तो हमारा आत्मविश्वास केवल परमेश्वर के वचन पर रहना है और हमारा पूरा भरोसा 100% बिना डाउट के, बिना अविश्वास के 100% परमेश्वर के वचन पर ही टिके रहना है। और वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। शैतान मुंह तोड़ जवाब को सहन नहीं कर पाएगा, वो आपको छोड़कर जाना ही उसकी होशियारी रहेगी। आमीन। हमारा प्राण अंदर से परेशानी में फंस सकता है जब शैतानी आक्रमण आते हैं, क्योंकि वो शैतानी आक्रमण बने रहने के लिए, हमारा नुकसान होने तक वो हमारे प्राण को बिगाड़ने की कोशिश करता है, हमारी भावनाओं को बिगाड़ने की कोशिश करता है, हमारी समझ को वो पूरी तरह से ऐसे कर देता है कि हम और कुछ आधार को देख नहीं पाएंगे, सिर्फ हम जो स्वाभाविक रीति के आधार है उसी के पास हम दौड़ने लगेंगे और हम अविश्वास दिखाने लगेंगे, हम नकारात्मक बातों पर भरोसा करने लगेंगे और हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ता जाएगा। हमारी सोच में, हमारी समझ में हम नाकामयाबी को देखने लगेंगे, हम कल्पनाओं में डर को देखने लगेंगे। तो ये क्या है, ये पूरा तमाशा शैतान के आक्रमण ने पहले प्राण के अंदर भेजा हुआ रहता है, ताकि हम आत्मिक ताकत को ना पाए। और परमेश्वर के आत्मिक ताकत को ना पाने की वजह से शैतान का आत्मिक जो हथियार हम पर चलने लगेगा और हमारे जीवन का जो मकसद है उसको चोरी नाश घात करने का वो पूरा कर पाएगा और फिर निकल जाएगा वो, ठीक है। तो उसका वो मकसद है, इसीलिए वो क्या चाहता है कि आप वो प्राण और शरीर के ही मामले में उसकी हड़बड़ी में बने रहो, ताकि उसका शैतान का आक्रमण सही ढंग से आपको पूरी तरह से आपके ब्लेसिंग्स को, आपके फाइनेंस को, आपके परिवार को बिगाड़ के जा सके। हाँ, सुरक्षित निकल जाएगा वो वहां से। अगर आपने अपने प्राण और शरीर की गड़बड़ी में ध्यान लगाना शुरू किया तो वो आराम से आपको हथियार चला के चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का उसका समय रहता है। तो इसकी वजह से हमारे प्राण की गड़बड़ी, हमारे शरीर की गड़बड़ी को हमें नजरअंदाज कर देना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो हमको मालूम है वो शैतान की आत्माओं ने किया हुआ है। और आत्मिक हथियार ऐसे जबरदस्त उठाकर चलाते रहना है और ये देखते रहना है कि अब तो उसका एक एक हिस्सा तो कट कर गिरता ही जा रहा है, अब पूरी तरह से जीरो होने तक वो हमारा पीछा छोड़कर भाग जाएगा। ओके, ये होता है आत्मिक युद्ध, ये होता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हथियार चलाना, ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे मुझे ऐसे क्यों महसूस होता है, मुझे तो गड़बड़ी सा लग रहा है, मेरे अंदर तो बहुत डर सा लग रहा है, मेरे अंदर तो हड़बड़ी मच गई है, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करूं। आपका ब्रेन डिस्टर्ब है, आपका माइंड डिस्टर्ब है, आपका इमोशंस डिस्टर्ब है, आपकी इच्छाएं बिखरने लगी है, यहाँ वहाँ दौड़ने लगी है, तो ये क्या है, ये सारी चीजें शैतान के कब्जे में जा सकती है। ओके, और इसके लिए वो पहले से तैयारी करता है, वो मंत्र तंत्र करके आपके ये सारी चीजों को पहले ही कटिबंध करके रखता है, बंदिश में लाके रखता है और फिर उसके ऊपर वो तमाशा मचाने लगता है, ताकि वो सारे गहरे तमाशे में आप सही ढंग से आपका आत्मिक हथियार उठा नहीं पाएंगे। ये तो उसने पहले से ही तैयारी, पूर्व तैयारी उसने की है, तभी तो वो आपका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये चीजें आपका रोज की प्रार्थना में आप साफ करना है, आपके प्राण की सारी बातों को आप साफ करते रहना है, प्रभु यीशु के लहू से वचन को बोलकर आपको साफ करते रहना है कि शैतान के काम करने वाले जो लोग हैं, शैतान के आत्मा से जो हमारे विरोध प्लान लेते हैं और फिर हमारे ऊपर आक्रमण रचाते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो आपके प्राण और शरीर का कोई भी हिस्सा उनके कब्जे में कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह से उनके कब्जे से हमेशा ही अपने आप को छुड़ाते रहना है, चाहे आपको महसूस हो नहीं हो, बस आप उनके बंदिश में से आजाद होते रहिए, आजाद होते रहिए। आपके पास वो ताकत है जो आप उसमें से आजाद हो सकते हैं, उनके पास वो ताकत है कि वो हमें बंदिश करते रहते हैं। ओके, तो वो बंदिश बनाना उनको आता है, छुटकारा लेकर
आगे बढ़ना हमको आता है, ये होता है हमारे शरीर और प्राण के बारे में। तो हमें उसके गड़बड़ी में बिल्कुल भी बने नहीं रहना है। अगर थोड़ा भी हमको कुछ महसूस होने लगा तो इस समझ जाना है कि सही है, वो लोगों को मालूम है कैसे इन सारी चीजों को बंदेश बनाना, तो उन्होंने बंदेश बनाया था, इसकी वजह से ये हमारे अंदर थोड़ा गड़बड़ी मच रहा है, तो इसे हम तोड़ देते हैं, यीशु के नाम से अधिकार लेते हैं। जितने हथियार हमारे विरोध बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। जो लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करें उन सबों से हम जीत जाएंगे। जितने दुष्ट लोग हमारे विरोध उठे हैं हम उनसे ऊपर उठ जाएंगे, और हमें परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस युद्ध के मध्य में भी वो हमारे साथ है, और उसने हमें वायदा दिया है मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा, मैं तुझे उपद्रवी लोगों के पंजे में से छुड़ाऊंगा। तो हे प्राण, हे मेरे शरीर, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे छुड़ा रही हूँ, और तू आजाद हो जा, उनके चंगुल में से तू बाहर आ, निकल आ यीशु के नाम से, अपनी अपनी जगह में स्थिर हो जा, और ये युद्ध में मेरा साथ दे। यीशु के नाम से तुझे मैं आज्ञा करती हूँ। प्रभु यीशु के लहू में अपने प्राण और शरीर को मैं कवर कर लेती हूँ, और परमेश्वर के आत्मा को आजादी देती हूँ मेरे प्राण और शरीर को इस युद्ध में पूरी तरह से नम्र बनाए रखे, ताकि मेरा आत्मिक युद्ध, आत्मिक हथियार प्रबल बना रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐसे आपको अपने शरीर और प्राण के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेना है, ठीक है। अब ये है आत्मिक हथियार, ओके। शैतान के विरोध, शैतान के आक्रमण के विरोध हमको चलाना है, जो आत्मिक हथियार, शरीर और प्राण उसका कोई मतलब नहीं रखता है, आत्मिक हथियार ही सबसे प्रबल होता है। इसीलिए हमको चाहे कोई समय हो ना हो, कोई आपत्ति हो या ना ही नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, हमको प्रार्थना करना, बाइबल को पढ़ना, पवित्र अभिषेक में भरते रहना, उपवास करना और परमेश्वर के संगति में बलवंत बनकर चलते रहना, ये क्या करता है, हमारे आत्मिक युद्ध का ये तैयारी, पूर्व तैयारी हमको हमेशा बरकरार रखता है। अचानक से हम पर कोई आक्रमण आ जाता है तो हम हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि पहले से हमने बहुत सारा परमेश्वर का वचन भर कर रखा है, परमेश्वर के आत्मा के साथ हम बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है। तो ये आत्मिक जो युद्ध शुरू करते हैं हम, बस थोड़े ही समय में हम इसे जीत भी लेते हैं फिर, ठीक है। जब शैतान आपको टारगेट करता है तो आपकी प्रार्थनाएं बंद करा देता है, आपके धीरे धीरे प्रार्थना का समय बिगाड़ने लगता है, आपके वचन की उन्नति में कोई ना कोई ऐसा बाधाएं लाने लगता है कि आप उसके स्रोत को पा नहीं सकेंगे, ओके। तो ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करना है, और आप चाहे कुछ करे या नहीं करे, अन्य भाषा तो 2400 घंटे आपको करते ही रहना है। अन्य भाषा ये ऐसा समय है कि हमारे अंदर, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को आग में बनाए रखता है, परमेश्वर के ज्वलंत आग में बनाए रखता है। तो जब आपको शैतान आक्रमण करने के लिए तैयारी में लग जाता है, क्योंकि आप अन्य भाषा में प्रार्थना हमेशा हमेशा दिन और रात 2400 घंटे अगर आप अन्य भाषा की प्रार्थना करते जा रहे हैं, तो याद रखिए कि शैतान का हथियार बनना बहुत मुश्किल में पड़ जाता है, बहुत मुश्किल में पड़ता है, और उसका आक्रमण पहले से ही कमजोर अवस्था में शुरू होता है, ठीक है। समझो आपने ऐसा आक्रमण अचानक से पड़ गया है कि आपको सूझ नहीं रहा है कुछ भी, आप ना सूझ रहा है तो भी कोई परवाह नहीं, आपको पता इतना ही मालूम है कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए, आप सीधे अन्य भाषा में बात करना स्टार्ट कर दीजिए, वही आपके लिए बहुत ही भारी भरकम ऐसा आपके रास्ते को साफ करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये एक हमारा तरीका है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आक्रमण, शैतानी आक्रमणों से निपटने का, ठीक है। और एक तरह से एक आदत हमारे अंदर बना लेना है, अगर ये आदत नहीं बनती है तो इसका मतलब है शैतान बहुत जबरदस्त आपके विरोध में है, कि वो आपकी आदतों को परमेश्वर के आत्मा के हथियार बनाने में सहायता नहीं करना चाहता है, वो आपके आदतों को बिगाड़ कर रखना चाहता है, ताकि आप कमजोर बने रहे, और जब वो आक्रमण करता रहेगा तो आपके नुकसान होते रहे।
तो इसके लिए वो आपको हमेशा कहीं कहीं ढीले ढीले ऐसे रहने के लिए मजबूर कर देगा, आपके अंदर की इच्छाएं मार डालेगा कि आप आत्मिक हथियार जो तेज करता है वो चीजें आप ना करें, जैसे आत्मिक गाने सुनना, आत्मिक वचन बोलना, आत्मिक रीति से बने रहना, परमेश्वर को आवाज देते रहना, प्रार्थना करते रहना, ये सब चीजें आप लगातार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आपको वो एरिया में आपके भावनाओं को, आपके मन को, इच्छाओं को वो एक प्रकार से बंदेश में रखा है ताकि आप आत्मा के ज्वलंत आग में ना भड़क जाए। ओके, तो ये उसका कारण है। तो हो सकता है वो आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, आपके परिवार के जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी कौन सी आदतें हैं, क्या क्या आप पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, उस दिशा से वो आपको खाने पीने में कुछ भी देते होंगे, कोई प्रकार से मंत्र बोलते होंगे, कोई प्रकार से दुष्ट आत्माओं को घेरे रखते होंगे आपके इर्द गिर्द, तो आपके अंदर आत्मिक जीवन जीवन का हथियार तेज बनने वाले जो रास्ते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको ये आदत हमको जबरदस्ती उठाना है और परमेश्वर से हमें अनुग्रह को मांगना है कि आप हमें अनुग्रह दो प्रभु कि हम इस आत्मिक हथियार को तेज करते रहने वाली आदतों से भर जाए, ये आदतों को हम खो ना दे। ये सब आपको प्रार्थना से परमेश्वर से मांगना है और वो देता है। ठीक है, वो मदद करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें उसमें मदद करता है। ठीक है, तो क्या है वो आदतें, जैसे पानी को अभिषेक का पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना है पानी के ऊपर और प्रभु यीशु के लहू में वो परिवर्तित होने के लिए मांगना है और आप उसे यूज करना है आपके जीवन के सारी बातों में, रहस्य की सारी चीजों में, जो आप चाहते हैं कि वो सब कुछ परमेश्वर ही संभाले, ऐसे ऐसे चीजों में उसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तेल अभिषेक से प्रार्थना करना है, उसको भी हमें यूज करना है, और जैसे पवित्र लहू, पवित्र अभिषेक, ऐसे हमारे सारे फिजिकल, शारीरिक और प्राण के सारे जीवन के अफेयर्स में, लाइफ अफेयर्स में उसको यूज करना है। और कभी भी परमेश्वर का आत्मिक जो हमें देता है सामर्थ्य देने वाला जो आदतें हैं, कभी भी उसके बारे में हमें नेगेटिव नहीं सोचना है कि ये असफल भी हो सकता है और ये तो कोई काम नहीं करेगा, ये तो बस टाइम वेस्टिंग है, ये सब चीजें हमको उसके अंदर लाना नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपको कमजोर करने के लिए, दुष्ट आत्मा आक्रमण करने के लिए वो रास्ता बनाए रखना चाहता है, इसके लिए वो आपके दिमाग को आत्मिक बातों के बारे में ढीला करके रखना चाहता है। ठीक है, इसीलिए पौलुस ने बोला कि मैं अपने शरीर को कुट कुट कर आज्ञाकारिता में बनाए रखता हूँ, मेरे प्राण को मैं निचोड़ निचोड़ कर, ऐसे धकेल धकेल कर परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता में दबोच देता हूँ। ओके, तो हमको ये इसीलिए करना है क्योंकि ये दोनों चीजें शैतान आराम से कब्जे में कर लेता है। ओके, जितना हम हमारे प्राण की बातों में, हमारे शरीर की बातों में ढीले से रहेंगे, उसमें हम आत्मिक स्वभाव नहीं रखेंगे, उसमें हम आत्मिक आदतें नहीं रखेंगे जो हमारे आत्मा के बल को बढ़ा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, शैतान का एक अच्छा सा ढीला पड़ा हुआ मैदान बन जाएगा, वो कभी भी आएगा, कभी भी कुछ भी करके चला जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा प्राण और हमारे शरीर को हम उनकी इच्छाओं पर नहीं छोड़ना है, उनके एबिलिटीज के ऊपर नहीं छोड़ना है कि चलो जाने तो अब थक गया है शरीर, इसीलिए रहने दीजिए, आज ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, जाने तो आज मन तो ठीक नहीं लग रहा है इसीलिए आज ऐसे होगा वैसे हो। नहीं नहीं हम उसके अनुसार नहीं चलना है, हमारी दिशा आत्मा के बल को बढ़ाने वाले दिशा में ही शरीर और प्राण को दौड़ाना है, दौड़ाना है। ओके, तो इसके लिए हमको आत्मा की ही तरफ देखना है और 100% प्रायोरिटी हमें आत्मा को ही देना है, परमेश्वर के आत्मा को ही देना है। यही एक रहस्य है, यही ये सीक्रेट है, अगर आप आत्मा का बल पाने वाले रास्ते नहीं चल पा रहे तो आपके प्राण और शरीर का ऑलरेडी शैतान ने कंट्रोल लेके रखा है, कुछ ना कुछ उसने दबा के रखा है आपके अंदर, ताकि आप आत्मा के सामर्थ्य की दिशाओं को पा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप कभी भी शैतान के आक्रमण से अभी नहीं डरना है, कोई भी आक्रमण रहे आपको नहीं डरना है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है जो सबसे सामर्थ्य है।
ओके, तो इसकी वजह से आपको शैतान के आक्रमण कितने भी भयानक दिखाई दे, कितना भी आपको अपाहिज करने वाला जैसा लगे, कितना भी कैसा भी रहे, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके प्राण और शरीर के ऊपर दबाव दे रहा है। उसको आत्मा की चीजों को उठाइए और मारिए, वो उससे बहुत डरता है और वो भाग जाता है। आमेन। कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, समझौता मत कीजिए वो लोगों से जो आपके ऊपर शैतान का आक्रमण भेजते हैं। कभी भी उनके साथ समझौता मत कीजिए, क्योंकि उनको आक्रमण भेजना है तो वो आपको इससे डरा के रखेंगे कि देखो हमारे विरोध नहीं जाना, नहीं तो हम ऐसे आक्रमण को आपके ऊपर भेजेंगे कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उनको बोला आप मनुष्य है, हम मनुष्य से प्रेम करना परमेश्वर ने वचन दिया है, और मनुष्य को प्रेम में रखना, उनके साथ रहना, उनके संबंध अच्छे बनाए रखना, तो ये हमारा धर्म बनता है। तो हम वो धार्मिकता के कारण आपसे कोई दुश्मनी नहीं उठा रहे, लेकिन हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहे। ओके, तो इस तरह से हमको आत्मा में बलवंत बने रहना है। ठीक है, डर नहीं तो कंफ्यूशन, गड़बड़ी, हड़बड़ी, ओके, धमकी, ये सब कुछ शैतानी आक्रमणों का हथियार है। इसके लिए हमको इससे डरना नहीं है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, और वो उनका काम सिर्फ हमारे प्राण और शरीर पर ही कर सकते हैं बस, और कहीं पर उनके उनके लिए आजादी नहीं है। हमेशा याद रखिए, अगर आपका माहौल हमेशा तनाव में रहता है, आपके प्राण और शरीर को आजादी महसूस नहीं होती है, बीमार बीमार सा लगता है, या फिर आप जैसे बंदिश में पड़े हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी अवस्था में रहते हैं, तो ये समझ जाइए कि आपके यहाँ पर ज्यादातर शैतानी आत्माओं का घेराव बनाए रखा है। ठीक है, तो आपको बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आपके वचन परमेश्वर के वचन को बोलते रहे, परमेश्वर के आजादी को फैलाते रहे, आपको जरूरी है ये। ओके, और अगर आप बोलेंगे ये मुझे जरूरी नहीं है और बस मैं तो अपने मन मर्जी में अपने प्राण और शरीर की सारी बातों में मजे करता रहूंगा, करती रहूंगी, तो छोड़ दीजिए, फिर आप मसीह नहीं है, आप आगे का टीचिंग सुनिए भी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी सेपरेट होता है, हाँ का हाँ, ना का ना। ओके, तो इसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज में नहीं जी सकते हैं, आपके प्राण और शरीर की अभिलाषा को लेकर आप नहीं जी सकते हैं, आपको तोड़फोड़ करना पड़ता है सारे प्राण और शरीर की चीजों को, जो बिल्कुल भी आपको आत्मिक रीति से बढ़ने में सहायता नहीं करती, वो सारी आदतों को आपको लताड़ना पड़ता है, कुचलना पड़ता है, आपका विश्वास जो आपके आत्मिक चीजों के ऊपर नहीं बैठ रहा है, तो उसे मार मार के आपको आत्मिक चीजों में ढकेल कर लाना है, उसको बांध कर लाना है, उठा के खाड़ के लाना है, वो कोई भी तरह से ये चीज आपके नियंत्रण के बाहर नहीं जाना है। ये तो युद्ध है और वही मसीही है। ओके, तो मसीह होने के कारण आप प्राण और शरीर के चीजों में बहकते बहकते जीना पसंद करते होंगे, तो आप मेरा टीचिंग मत सुनिए, बंद कर दीजिए, और आपकी वजह से ना ही मेरा देश आशीष पाएगा, ना मेरा शहर आशीष पाएगा, ना मेरा चर्च आशीष पाएगा, कोई भी आशीषित नहीं होगा आपके कारण, और आपके संगति में बने रहना भी मूर्खता है। ओके, तो ये होता है कि जब हमारा प्राण और शरीर ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा घेरा जाता है कोई प्रकार से, तो ये आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध में हमको परमेश्वर 100% भला है, हम उसके साइड में है, परमेश्वर हमारे साइड में है, और हम उसी के साथ बने रहेंगे अनकॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, अगर इस तरह से हमारा आत्मविश्वास पक्का बना रहेगा परमेश्वर के वचनों के अंदर, उसकी अवस्था के अंदर, तो हमारा प्राण शरीर पूरी तरह से हम वचन के पूरे टाइट मैटर्स में बना के रखेंगे, हमारे अंदर डिसिप्लिन रखेंगे, आदतों को परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं जाना है, ठोक ठोक कर हम अपने आप को सीधा करते रहेंगे, तो मैं कहूँ आपको, आप इतने आशीषित जीवन देंगे हमारी दुनिया को, कि सच में आपका इस दुनिया में रहना हमारे लिए इतना प्रेशियस बन जाएगा कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप जल्दी से ये दुनिया छोड़े, हम चाहेंगे कि परमेश्वर आपको और ज्यादा डबल आयुष्य दे, इतने इतने ज्यादा हमको आपके बारे में खुशी रहेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के संगति में रहने वाले हैं, और आपकी वजह से देश बदल सकता है, आपकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है,
परमेश्वर को आप जैसे भंडार की जरूरत है बेन। ओके, तो ये बात है, हम अपने मसीह जीवन को पहचानना है, हम मसीह है और मसीह बने रहना, अनकॉम्प्रोमाइज्ड मसीह बने रहना है, ठीक है। तो कभी भी अपने आत्मविश्वास को परमेश्वर के वचन से अलग होने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर के वचन से अलग होना ही नहीं है, यही हमारा अंत है, यही हमारी शुरुआत भी है, ठीक है। एक बार हमको अगर ये बात मालूम पड़ जाए कि शैतान का आक्रमण किस पर होता है, हमारे प्राण और शरीर की ही बातों पर होता है, ओके, और वो किससे डरता है, हमारे आत्मिक हथियार से डरता है, ठीक है। अगर ये बात हमको मालूम पड़ जाती है तो आक्रमण कोई भी हो, हम उसे आराम से मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, ठीक है। अगर वो आक्रमण कर सकते हैं तो हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, आमीन। ये तो ऐसा युद्ध रहता है, ना वो गिरने को तैयार है ना हम गिरने को तैयार है, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि उनको तो पिट कर जाना है, हमसे हम नहीं पिट लेंगे, उनसे उनको तो पिट कर जाना है, किसको, लोगों को नहीं, दुष्ट आत्माओं को जो हमारे विरोध उठी है, ठीक है। कभी नहीं भूलना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मसीह में कि परमेश्वर का आत्मा हमारा मददगार है, ओके। तो कभी नहीं भूलना है कि हम अकेले हैं, ऐसे कभी नहीं सोचना है, हम बिल्कुल अपाहिज से छोड़ दिए गए हैं, हमारे प्राण और शरीर की अवस्था जरूर ऐसे होता है कि हमको लगता है बस अब कोई नहीं है हमको, और हम कैसे जाएंगे आगे, क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ आगे, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका जवाब क्या होगा, अब कहाँ जाए, क्या करें, कैसे इसे उलझे सुलझे बातों को कैसे हम हैंडल करें, तो ये कभी नहीं भूलना, आप अकेले नहीं है, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है, हाँ, कभी नहीं भूलना इस बात को, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे दुनिया बिगड़ जाए, चाहे दुनिया डूब जाए, आपके अंदर जो है वो आपको कभी डूबने नहीं देगा, वो यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर निवास करता है, आमीन। आपको तुरंत ये बात को मान लेना है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण अगर कोई अनाज्ञाकारिता से यह आक्रमण मुझ पर आया है तो पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, इस आक्रमण को अब निपटना है, मेरी मदद करो, ये आप हमेशा उसे मदद मांग सकते हैं, बहुत ढंग से आप उसे बात करने की जरूरत नहीं, बस इतना भी बोल सकते चलो लॉर्ड हेल्प कीजिए मुझे, अब तो मुझे नहीं मालूम ये क्या है, क्या है, कैसे है, आप मदद कीजिए, ये भी काफी है आपका बोलना, ओके। तो आपके लिए पवित्र आत्मा इतना दिया गया है कि वो इतना नम्र है, इतना नम्र है कि वो सिर्फ चाहता है कि आप उसे देखे और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को, बल को खींच ले उसके अंदर से, ओके। आप ना देखने की वजह से आप उसको भूलते हैं और अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और आप शैतानी आक्रमण को सह लेते हैं, ओके। तो वो चाहता है कि आप देखो, वो है आपके अंदर, वो है आपके अंदर, आप देखो परमेश्वर का आत्मा देखो, ओके। और आप देखते ही, जैसे यीशु मसीह को पतरस ने क्रूस के बलिदान के वक्त में, जस्ट यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखा और पतरस ने यीशु मसीह की ओर देखा, बस बात ही खत्म हो गया, उसने अपना कॉन्फिडेंस दोबारा पा लिया, आत्मविश्वास दोबारा पा लिया और वो प्रभु यीशु के मार्ग में बलवंत बन गया, ओके। तो ये बात है, हमको पवित्र आत्मा बहुत भारी बात करने के लिए नहीं कहता है, वो एहसास याद रखिए बस कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बनाया हुआ है, आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको कभी छोड़कर नहीं जाता है, परमेश्वर का आत्मा सिर्फ आपके प्राण और शरीर में अंधेरे छाने की वजह से आप उसे देख नहीं पाते हैं। अंधेरे कैसे छा जाते हैं, आप अनाज्ञाकारिता को लेते हैं, शैतान रास्ता बनाता है, आपके शरीर और प्राण को बंदिश कर लेता है और आपको वो ध्यान बंद कर देता है जो पवित्र आत्मा को देख सकता है, ठीक है। तो ये कारण से पवित्र आत्मा को आप देख नहीं पा रहे, ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आपसे अलग हो गया, नहीं, पवित्र आत्मा आप ही के अंदर है और आपको वो अनंत काल के जीवन में लेकर जाने के लिए है, तो वो कभी भी आपसे अलग नहीं है, अलग नहीं है, अंधेरे में आप उसे देख नहीं पा रहे, आपकी आंखें उसे देख नहीं पा रही है, आपके बीच में और पवित्र आत्मा के बीच में दीवार बन गई है, वो दीवार कौन सी है, अनज्ञाकारिता की, ठीक है। वो दीवार को आप कैसे गिरा सकते हैं, पश्चतापी हृदय से, अब
केवल परमेश्वर से बोल सकते हैं, प्रभु मुझे बंदिश में से छुड़ाइए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी अनाज्ञाकारिता की वजह से पवित्र आत्मा को देख नहीं पा रहा हूँ, या मेरी स्थिति को मैं ज्यादा बलवंत देख रहा हूँ और मुझे परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि आप मुझे इसमें से निकाल पाएंगे। पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, आप बोलिए उससे, बात करो उसके साथ, आपके मन को शेयर करो आप उसके साथ, ये अंधेरे को हटाता जाएगा और पवित्र आत्मा को रास्ता देता जाएगा आपके अंदर आके, वो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, रास्ते बना कर देने के लिए, वचन को बोलने के लिए, सब कुछ के लिए वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष करे। आमीन।